पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीना अग्रवाल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ सोनकपुर स्टेडियम रामगंगा बिहार में किया गया। पहला मैच टीएमयू ने एमपीएस को हराकर जीता और दूसरा मैच रेलवे ने डीवी एकेडमी को हराकर जीता। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की विनोद अग्रवाल और प्रिया अग्रवाल ने। शुभारंभ करते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि खेल भावना से खेलें और जीतें। प्रिया अग्रवाल ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पहले मैच में टीएमयू ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और 158 रन बनाए। टीएमयू के उजैर ने 70 रन बनाए। एमपीएस की ओर से दिनेश ने 3 और सुजल ने 2 विकेट लिए। इस दौरान आरएसओ विजय कुमार, शिवम गुगली, शशिकांत राही, करुणेश शशांक मौजूद रहे। आज श्री बीना अग्रवाल जी मेयर साहब का यहाँ पे आज यहाँ पे वो टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें कि एमपीएस की टीम और एटीएमयू की टीम के बीच यहाँ पर मैच आज यहाँ पे 33 ओवर का खेला जा रहा है और जिसमें कि इस वाले इसी उसमें टूर्नामेंट में 8 टीमें एंटर हैं और ये है असिस्टिंग का टूर्नामेंट है। स्वर्गीय महापौर श्रीमती बीना अग्रवाल जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ सोनकपुर स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है जो 5 दिन चलेगा। इसके अंदर सभी स्कूलों के और अलग अलग जो क्लब हैं उन सबको प्रतिभागी बनाया गया है। प्रतिदिन 2 मैच किए जाएंगे 20-20 ओवर के और ये महानगर की जो प्रतिभा है उनको उभारने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए बीना जी का चूंकि एक सपना रहा है उसी के अंतर्गत आज इस कार्य को शुरू किया गया और ये चूंकि गत वर्ष भी था, इस वर्ष भी है और मैं समझता हूँ आगे भी हमेशा ये कार्य इसी तरह चलता रहेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।